नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा शनिवार 22 मई की दोपहर लॉकडाउन व संचारबंदी के संदर्भ में एक नया अध्यादेश जारी किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले में विगत 9 मई से चले आ रहे और 22 मई की रात 12 बजे तक लागू किए गए लॉकडाउन में अंशतः छूट दी गई है। इसके तहत अब रविवार 23 मई से जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटों के लिए खुली रह सकेंगी। रविवार से किराना, सब्जी व फल बिक्री, दूध डेयरी व दूध संकलन केंद्र, बेकरी, मिठाई, खाद्य पेय बिक्री, आटा चक्की, मांस मटन व अंडा बिक्री तथा चश्मे की दुकानों को रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। वहीं परमिट रूम, बियर बार, वाइन शॉप व देशी शराब की दुकानों से रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के दौरान शराब की होम डिलीवरी देने को अनुमति प्रदान की गई है। इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों द्वारा भी होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व शिव भोजन केंद्र से सुबह 11 से शाम 7 बजे तक घर पहुंच सेवा देने को अनुमति देने के साथ ही कहा गया है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, शिव भोजन केंद्र, बार व वाइन शॉप में प्रत्यक्ष ग्राहकी की अनुमति नहीं होगी। वहीं सरकारी राशन दुकानें रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी कृषि सेवा केंद्र रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे और खरीफ बुआई हेतु आवश्यक सामग्री की खरीदारी यहां से किसानों द्वारा की जा सकेगी। साथ ही फसल मंडी तथा थोक सब्जी व फल मंडी को पहले ही छूट दी जा चुकी है, जिसके चलते जिले की सभी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों द्वारा संचालित की जाने वाली फसल, सब्जी व फल मंडियां गत रोज से ही शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि यद्यपि स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विगत 9 मई से लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों को शिथिल किया गया है, किंतु आगामी 1 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी संचारबंदी लागू रहेगी और संचारबंदी के दौरान सभी नागरिकों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने का आह्वान किया गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से संचारबंदी के तहत जारी किए गए सभी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 1 जून तक लागू रहेंगे, जिनका बेहद कड़ाई पूर्वक पालन भी करवाया जाएगा। जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने की अधिसूचना जारी करने के बाद महानगरपालिका आयुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए एक विशेष आदेश जारी किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न जोन अंतर्गत फल एवं सब्जी विक्रेताओं को व्यवसाय करने हेतु जगह उपलब्ध कराने की बात कही गई है। शहर के 5 जोन अंतर्गत करीब 21 स्थानों पर फल एवं सब्जी विक्रेता एक स्थान पर खड़े रहकर रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक अपना व्यवसाय कर सकेंगे। साथ ही उन्हें शहर के रिहायशी क्षेत्रों में सब्जी व फल की घर पहुंच बिक्री करने की भी अनुमति रहेगी। इस बारे में जारी आदेश में मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा कहा गया है कि 5 जोन अंतर्गत निश्चित किए गए 21 स्थानों पर 2 हाथ गाड़ियों के बीच 10 फीट का अंतर रहना अनिवार्य रहेगा और सभी फेरी वालों को अपनी रैपिड एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा यहां पर सभी फेरी वालों एवं ग्राहकों को मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य तौर पर प्रयोग करना होगा। यह आदेश 23 मई से 1 जून की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल की जिंदादली व सदाशयता एक बार फिर सामने आई है। विधायक प्रवीण पोटे ने अपने पीआर पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से यहां के हिंदू स्मशान संस्था को गैस शवदाहिनी दान के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रवीण पोटे पाटिल ने अपने ट्रस्ट द्वारा गैस शवदाहिनी के लिए पूरी रकम 30 लाख रुपए देने का वादा करते हुए संबंधित कंपनी के खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं। हिंदू स्मशान संस्था ट्रस्ट द्वारा स्मशान भूमि में तीसरी गैस शवदाहिनी लगाने के लिए मनपा के आश्वासन पर किसी कंपनी को बुकिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया था, किंतु ऐन वक्त पर मनपा प्रशासन द्वारा इस मशीन के लिए सहायता निधि देने से इनकार करने के बाद स्मशान संस्थान की ओर से दानदाताओं को मदद करने की अपील की गई थी। इस अपील को तुरंत प्रतिसाद देते हुए प्रवीण पोटे पाटिल की ओर से अपने ट्रस्ट द्वारा तीसरी शवदाहिनी हेतु 100% मदद प्रदान की जा रही है। यह भी बता दें कि हिंदू स्मशान संस्था द्वारा बुक की गई शवदाहिनी अब रद्द कर दी गई है, क्योंकि पोटे पाटिल ने अपने ट्रस्ट से तीसरी शवदाहिनी का पूर्ण भुगतान देने का वादा किया है। जानकारी है कि ट्रस्ट की ओर से यूवीएक्स इंजीनियरिंग नामक कंपनी को नई गैस शवदाहिनी का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही इस कंपनी के खाते में 20 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी गई है, जिसके बाद यह गैस शवदाहिनी की मशीन आज ही ठाणे से अमरावती के लिए रवाना कर दी गई, जो अगले 2 दिनों में अमरावती पहुंचेगी। यहां पर गैस शवदाहिनी को स्थापित करने हेतु तमाम आवश्यक कामों को पूरा करते हुए अगले सप्ताह इस गैस शवदाहिनी को कार्यान्वित कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हिंदू स्मशान संस्था में इससे पहले लगाए गए गैस शवदाहिनी संयंत्रों
में एक शव का अंतिम संस्कार करने हेतु करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। वहीं पोटे ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नई मशीन में महज 1.5 घंटे के भीतर मृतदेह का अंतिम संस्कार पूर्ण हो जाएगा। विगत लंबे समय से तीसरी गैस शवदाहिनी स्थापित करने हेतु एड़ी चोटी का जोर हिंदू स्मशान भूमि संस्था द्वारा लगाया जा रहा था, किंतु इस कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी, बल्कि आश्वासन मिलने के बावजूद हिंदू मोक्षधाम को मनपा प्रशासन से निराशा ही मिली थी। ऐसे में हिंदू मोक्षधाम में तीसरी गैस शवदाहिनी स्थापित करने की आशाएं लगभग पूरी तरह से धूमिल हो चली थी, किंतु ऐसे आड़े वक्त में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा उनके पीआर पोटे पाटिल ग्रुप की ओर से मोक्षधाम की समस्या को समझा गया और संस्थान के अध्यक्ष आरबी अटल द्वारा की गई अपील को पूर्ण रूप से प्रतिसाद देते हुए मोक्षधाम में अपने खर्च पर नई शवदाहिनी स्थापित करने हेतु 30 लाख रुपयों की सहायता प्रदान करते हुए समस्या का समाधान भी किया गया, जिसके लिए हिंदू स्मशान भूमि संस्था के अध्यक्ष आरबी अटल व अन्य पदाधिकारियों तथा हिंदू मोक्षधाम के कर्मचारियों द्वारा पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा उनके ट्रस्ट के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। इससे पहले पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने जिला प्रशासन से वादा किया था कि वे जिले में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सुपर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन निर्मित प्लांट अपने खर्च पर स्थापित करेंगे। साथ ही जिले में जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन निर्मित प्लांट बनाने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए पोटे ट्रस्ट द्वारा सहायता दी जाएगी। विधायक प्रवीण पोटे ने अपने द्वारा किए गए वादे को निभाते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपने खर्च से 65 लाख रुपए की लागत वाला ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित करने हेतु सहायता दी है। विगत दिनों इस ऑक्सीजन निर्मित प्लांट को स्थापित करने हेतु पोटे ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा सीएस डॉक्टर निकम सहित प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जगह का मुआयना किया और यहां पर ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित तमाम जरूरी काम शुरू किए गए हैं। इन कामों के पूरा होते ही ऑक्सीजन निर्मित प्लांट यहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य महकमे द्वारा अमरावती संभाग के 5 जिलों हेतु कोविशील्ड वैक्सीन के 63,650 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। वैक्सीन के इस नए स्टॉक की खेप को लेकर अकोला स्थित स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय के विभागीय लसीकरण भंडार के अधिकारी शनिवार की शाम औरंगाबाद से अकोला के लिए रवाना हुए हैं, जो कल सुबह अकोला पहुंचेंगे। यहां से कोविशील्ड वैक्सीन की नई खेप का जिला निहाय वितरण किया जाएगा और कल दोपहर तक अमरावती जिले को 17,500 वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होगा। इसके अलावा इस खेप में से यवतमाल जिले को 11,900, अकोला जिले को 11,200, वाशिम जिले को 11,000 तथा बुलढाणा जिले को 12,500 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन का यह नया स्टॉक उपलब्ध हो जाने के बाद सोमवार से अमरावती शहर व जिले सहित संभाग के 5 जिलों में कोविड टीकाकरण अभियान एक बार फिर पहले की तरह पूरी रफ्तार के साथ शुरू किया जाएगा। शहर में 2 दिन पहले मालवीय चौक से जयस्तंभ चौक परिसर में एक्साइज बैटरी की दुकान के सामने कैश बॉय के रूप में काम करने वाले बाइक सवार मनोज चौधरी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके पास से 19.5 लाख रुपए से भरी बैग छीनने की कोशिश की गई थी। कोतवाली पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर घटित यह घटना कोतवाली थाना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई थी और आरोपियों को पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस द्वारा दिन रात प्रयास किया जा रहा था। आज पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि कैश बॉय कुरियर सर्विस में काम करने वाले ही कुछ लोग इस घटना के मास्टरमाइंड है और इसी व्यवसाय से जुड़े अंकित नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपियों की कैश बॉय मनोज चौधरी पर पहले से नजर थी और एक आरोपी ने बाकी 3 लोगों को इसकी टिप दी थी, जिसके बाद 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को लेकर प्लानिंग तैयार की, किंतु मनोज चौधरी द्वारा दिखाई गई हिम्मत के चलते यह प्लानिंग पूरी तरह से फेल हुई। लूटपाट करने हेतु आए 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, साथ ही टिप देने वाला आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है। सभी आरोपी अकोली, साईनगर, बडनेरा व जेवरनगर परिसर के रहने वाले हैं। इस समय पुलिस द्वारा 4थे आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अमरावती जिले में किसानों की अपनी बैंक के रूप में परिचित अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 700 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड घोटाले के मामले में ऑडिट हुआ। ऑडिट रिपोर्ट बैंक पर नियुक्त प्रशासक सतीश भोसले को सौंपी गई। प्रशासक भोसले ने म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में घोटाला होने के रिमार्क के साथ ऑडिट रिपोर्ट और शिकायत कोतवाली पुलिस थाने में लगभग 1.5 माह पहले दर्ज की, लेकिन उस रिपोर्ट में निश्चित तौर पर व्यवहार किसने और कब किए, आर्थिक व्यवहार के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित कर फ्रेश रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी फाइल 2 दिन पहले तक प्रशासक सतीश भोसले ने कोतवाली पुलिस थाने में पेश की थी। वह फाइल पिछले 3 दिन से पुलिस आयुक्त कार्यालय में ही पड़ी हुई है। पुलिस कहती है कि प्रशासक भोसले की रिपोर्ट काफी संभ्रम पैदा कर रही है। वहीं पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज मंडल न्यूज से बातचीत करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि फिलहाल उनके टेबल तक यह फाइल पहुंची ही नहीं है। साथ ही बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अपराध दर्ज का अधिकार थानेदारों को ही है, लेकिन प्रशासक सतीश भोसले की शिकायत ही कंफ्यूज्ड है। ऐसे में सिटी कोतवाली के थानेदार राहुल आठौले ने भोसले द्वारा दी गई शिकायत में पुलिस आयुक्त से मार्गदर्शन मांगा है, साथ ही कहा है कि भोसले की रिपोर्ट में वेरिफिकेशन की कमी है।
इस समय शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण के साथ साथ फैल रहे म्यूकर माइकोसिस के संक्रमण सहित स्वास्थ्य से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा करने हेतु जिलाधीश शैलेश नवाल तथा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निगम की प्रमुख उपस्थिति में बचत भवन में शहर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस समय उपस्थित चिकित्सकों का जिलाधीश शैलेश नवाल, CS डॉक्टर श्याम सुंदर निगम व मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने मार्गदर्शन किया। साथ ही डॉक्टर पंजाब राव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर AT देशमुख, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर क्षितिज पाटिल, शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन किया। इस समय प्रशासन की ओर से आह्वान किया गया कि सभी डॉक्टरों द्वारा सरकार की ओर से तय की गई दरों पर ही मरीजों का इलाज किया जाना चाहिए। म्यूकर माइकोसिस हा जो आता एक नवीन आजार या कोविडच्या अनुषंगाने वाढतो आहे, तर त्याची कारण मीमांसा झाली, त्याच्यामध्ये काय कारण आहेत, कोविड का एवढ्या प्रमाणात या दुसऱ्या लाटेमध्ये आलेला आहे यावर पण विस्तृत चर्चा झाली। आणि त्याच्यामध्ये स्टिरॉईड नावाचं जे इंजेक्शन असतं ते आणि अँटीबायोटिकमध्ये जे हायर अँटीबायोटिक्स आपण यूज करतो ते, प्लस त्यांना डायबिटीस असतो आणि त्यांची शुगर ही इन्सुलिनवर बरोबर कंट्रोल न केल्यामुळे म्युकर मायकोसिसचा प्रादुर्भाव वाढला आहे असं आज या चर्चासत्रात आम्ही डिस्कस केलं, सांगितलं। आणि त्यावर ते कसं प्रिव्हेंट करता येईल, ते कसं आपल्याला त्याचे लवकरात लवकर त्याला आयडेंटिफाय करून त्याची ट्रीटमेंट किती लवकर आपण सुरू करू शकतो यावर सुद्धा विस्तृत चर्चा झाली। आपण ज्या एका नवीन एपिडेमिक म्हणजे म्युकर मायकोसिस हा कोविडमधला जो एक नवीन एपिडेमिक तयार झाला आहे त्याला आपण झुंज देत आहोत। हा आजार ज्या पेशंट्सला कोविड होऊन गेलेला आहे किंवा सारी होऊन गेलेला आहे आणि ज्या पेशंट्सचं शुगर लेवल मधुमेह हे प्रमाणाबाहेर वाढलेलं आहे अशा पेशंटलाच होतो। सगळ्या कोविड पेशंटनी घाबरून जायची गरज नाही आहे। जे हायरिस्क पेशंट म्हणजे ज्यांना कोविड होऊन गेलेला आहे व ज्यांचं मधुमेह प्रमाणाबाहेर वाढलेला आहे अशा पेशंटला आपण हायरिस्क पेशंट म्हणू शकतो। व अशा पेशंटनी कमीत कमी कोविड होऊन गेल्यानंतर 1.5 ते 2 महिन्यापर्यंत त्यांचं शुगर लेवल अत्यंत कंट्रोल राहिलं पाहिजे याची जबाबदारी त्यांची स्वतःची सुद्धा असते। त्यामुळं ज्यांच्याही घरी कोरोनाचा रुग्ण पॉझिटिव्ह आला असेल त्या सर्वांनी त्यांच्या घरच्या इतर सदस्यांनी आपली कोरोनाची टेस्ट करून बघावी, करून घ्यावी। आणि यांनी असं होईल की पॉझिटिव्ह रुग्णाला त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन किंवा घरामध्ये आयसोलेशन करून त्यांना वेगळं करता येईल, जेणेकरून त्यापासून अधिक लोकांना त्याचा प्रादुर्भाव होणार नाही। जे निगेटिव्ह आहे त्यांनी सुद्धा आपल्या घरामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग, आयसोलेशन जवळपास 7 दिवस मेंटेन करावं, जेणेकरून तो आजार इतरांपर्यंत पोहोचणार नाही। कोविड संक्रमण काल ने विगत 14 माह के दौरान कई अच्छे व बुरे अनुभव दिखाए हैं। इस दौरान कोविड संक्रमण की वजह से मरने वाले कई पार्थिव व्यक्तियों के पार्थिव शरीरों को उनके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु स्वीकार करने से इनकार किए जाने की सनसनीखेज घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे ही 7 संक्रमित व्यक्तियों के शवों का मनपा द्वारा अपने स्तर पर अंतिम संस्कार किया गया, साथ ही इन अंतिम संस्कारों पर होने वाले खर्च का भार भी खुद ही उठाया गया। सुपर कोविड अस्पताल, PDMC अस्पताल तथा जिला सामान्य अस्पताल में कोविड एवं सारी संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद अस्पताल प्रशासन सहित पुलिस द्वारा संबंधित मरीजों के परिजनों से संपर्क किया जाता है ताकि वे शव की कस्टडी लेकर अंतिम संस्कार हेतु उपस्थित हों, किंतु इस दौरान 7 मरीजों के परिजनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसे में मनपा प्रशासन ने अपने स्तर पर इन 7 मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमरावती मनपा के आयुक्त प्रशांत रोडे ने कहा कि कोविड संक्रमित शवों पर अंतिम संस्कार करने को जवाबदारी नहीं बल्कि कर्तव्य मानकर पूरा किया जा रहा है। कोविड संक्रमित शवों के लिए एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध हैं जिन पर 2 चालक व 8 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अब तक जिन शवों का उनके रिश्तेदारों द्वारा अंतिम संस्कार करने से इनकार किया गया ऐसे 7 शवों का अंतिम संस्कार मनपा द्वारा अपने खर्च से अपनी जिम्मेदारी समझकर किया गया। हाल ही में प्याज की नई फसल पूरी तरह से पककर तैयार हुई है, किंतु इस समय बाजार में प्याज को उचित दाम नहीं मिल रहे। ऐसे में जिले के कई किसान अपनी प्याज सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं, जिसके तहत 300 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से शहर में जगह जगह प्याज बेची जा रही है और शहरवासियों द्वारा बड़ी संख्या में कम दरों पर मिल रही प्याज किसानों से खरीदी जा रही है। विगत 9 मई से चले आ रहे लॉकडाउन की वजह से शहर सहित जिले के सभी कृषि सेवा केंद्रों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि किसानों को कृषि सेवा केंद्रों पर आने से मना किया गया था। वहीं कृषि सेवा केंद्रों को किसानों के खेतों तक खाद व बीज सहित कृषि साहित्य की डिलीवरी देने का आदेश दिया गया था।
किंतु दो दिन पूर्व जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा कृषि सेवा केंद्रों को रोजाना सुबह 7 से 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। ऐसे में अब खरीफ फसलों की बुआई हेतु तैयारी में जुटे जिले के किसान बड़ी संख्या में कृषि सेवा केंद्रों पर पहुंचकर अपनी जरूरत के मुताबिक खाद व बीज सहित अन्य कृषि साहित्यों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे अब सभी कृषि सेवा केंद्र गुलजार दिखाई दे रहे हैं। इस समय कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे में शनिवार को शहर सहित जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दिया। हालांकि कई लोग वैक्सीन लगवाने की नियत से इन टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे, किंतु उन्हें टीकाकरण केंद्रों पर लटकते ताले और वहां पर लगे सूचना फलक को देखकर निराश होते हुए वापस लौटना पड़ा। शहर में संचारबंदी जारी रहने के बावजूद कई इलाकों में सड़कों के किनारे हाट ठेलों पर सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा अपना व्यवसाय किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलते ही मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक ने इन फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की, जिससे इन सब्जी व फल विक्रेताओं में भागम भाग वाली स्थिति बन गई और जिसे जिधर रास्ता मिला वह उस तरफ अपना हाट ठेला लेकर भागने की फिराक में दिखा। इस चक्कर में एक सब्जी विक्रेता का ठेला भी पलट गया और उसकी सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। इसे देखते हुए अतिक्रमण विरोधी पथक के कर्मचारियों ने सड़क पर बिखरी सब्जियों को समेटकर उस विक्रेता के हाथ ठेले पर रखा। विगत सवा वर्ष से कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से अधिकांश समय घर पर ही रहने वाले छोटे व किशोरवयीन बच्चे अब धीरे धीरे चिड़चिड़े और हिंसक होते जा रहे हैं, जिनकी चपेट में खुद उनके अभिभावक आ रहे हैं। बीते गुरुवार को एक ही दिन बेटे द्वारा अपने जन्मदाता पिता पर जानलेवा हमला करने की 5 घटनाएं समूचे राज्य में सामने आई हैं, जिससे आम जनमानस में चिंता की लहर देखी जा रही है। बीते वर्ष मार्च माह से कोविड वायरस की महामारी का आगमन हुआ और सभी लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए। लंबे समय तक एक ही घर में एक ही छत के नीचे पूरा समय परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हो जाने के चलते अब धीरे धीरे काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। खासकर युवावस्था की ओर बढ़ रहे बच्चे और वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे पिता की जोड़ी जिस घर में है वहां रोजाना ही शाब्दिक वाद विवाद होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह शालेय जीवन में रहने वाले बच्चे भी दिन रात एक ही कमरे में रहने की वजह से चिड़चिड़े और हिंसक होते जा रहे हैं तथा घर में अगर कुछ भी उनके मन अथवा मर्जी के खिलाफ हुआ तो वे तुरंत आक्रामक हो रहे हैं। ऐसे में अब कई परिवारों में बच्चों के स्वभाव में होने वाले इस बदलाव को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इस स्थिति को लेकर अमरावती शहर की काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अमिता दुबे द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन काल के दौरान लगातार घर में रहने की वजह से बच्चों के मनोविकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही इन दिनों उनका अपने मित्रों से भी संपर्क कम हो गया है, जिससे वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसी तरह घर के बड़े लोगों के सामने भी रोजी रोटी और रोजगार की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पक्षों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। यह इस स्थिति के लिए सबसे प्रमुख वजह है। इससे निपटने हेतु कुछ बेहद छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं, जिसके तहत बच्चों को उनकी रुचि वाले कामों में लगाकर रखने के साथ ही उन्हें घर के छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें घर की निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हुए अभिभावकों द्वारा बच्चों के विचारों को बिना किसी टोका टाकी के शांतिपूर्वक ढंग से सुना जाना चाहिए। सबसे जरूरी यह है कि अभिभावकों व बच्चों के बीच आपसी संवाद जारी रहना चाहिए और अभिभावकों ने अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के साथ ही बच्चों की समस्याओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे विशेषकर शारीरिक व मानसिक बदलाव के दौर से गुजरने वाले किशोरवयीन बच्चे लॉकडाउन की वजह से बेहद मुश्किल भरे वक्त से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य को संभाला जाना इस वक्त बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ शिथिलता लाई है। इसके कारण एसटी महामंडल ने भी सोमवार 23 मई से अमरावती, बडनेरा, परतवाड़ा, वरुड, चांदू रेलवे, दरियापुर, मोर्शी, चांदूर बाजार आदि तहसील स्तरीय बस डिपो से बसों को चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब लोग बाग सोमवार से जिला अंतर्गत यातायात कर पाएंगे। आने वाले दिनों में बुआई का सीजन रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बीज व खाद की खरीदी के लिए शहरों में आना पड़ता है। इस कारण एसटी महामंडल ने जिला अंतर्गत बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष अमरावती शहर के बुटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरु पर्व का मान व सत्कार समुचित साथ संगत के साथ मनाया जाता है और सुखमणि साहिब जी के पाठ का पठन किया जाता है, जिसके तहत गुरु पर्व को समर्पित करते हुए लगातार 40 दिनों तक गुरुद्वारे में सुखमणि साहिब जी का पाठ पठन किया जाता है। किंतु इस वर्ष कोविड की संक्रामक महामारी के चलते सिख एवं पंजाबी समाज बंधुओं द्वारा पूरे 40 दिन तक अपने अपने घरों में रोजाना सुबह 8 से 9 बजे तक सुखमणि साहिब जी का पाठ किया जा रहा है। विगत 6 मई से सुखमणि साहिब जी के पाठ की चालिया की शुरुआत की गई, जिसका समापन आगामी 14 जून को किया जाएगा। विदर्भ की पसीना फोड़ गर्मी की चर्चा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। गर्मी के मौसम दौरान विदर्भ में प्रतिवर्ष अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, किंतु इस वर्ष यह परंपरा खंडित हो गई है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है और अब तक तापमान ने 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को भी नहीं छुआ है। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के मुताबिक इस बार गर्मी के मौसम में बेमौसम बारिश तथा बीच बीच में कई दिनों तक रहने वाले बदरीले मौसम की वजह से इस बार विदर्भ में अपेक्षा के मुताबिक कड़ी धूप
नहीं तपी और गर्मी का प्रमाण काफी हद तक कम रहा। इसे ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों का भी असर माना जा सकता है और जगह जगह पर नियमित तौर पर तैयार होने वाले सिस्टम्स की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक विदर्भ क्षेत्र में यद्यपि अपेक्षा के अनुरूप इस बार गर्मी नहीं पड़ी है, किंतु इसका आगामी मानसून पर कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदर्भ तथा अन्य स्थान पर पड़ने वाली गर्मी पर मानसून की बारिश निर्भर नहीं करती, बल्कि भारत के कुल औसत वातावरण से उसका संबंध होता है। भारतीय मौसम विभाग ने देश में इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना पहले ही व्यक्त कर दी है। ऐसे में विदर्भ क्षेत्र में भी बारिश की स्थिति सर्वसाधारण रहेगी। जिले में अब धीरे धीरे कोविड संक्रमण की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही है और रोजाना ही कोविड संक्रमितों की संख्या घट रही है। शनिवार को जिले में 772 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87,843 पर जा पहुंची है। वहीं शनिवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 21 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 20 स्थानीय मरीजों सहित बाहरी जिले के एक मरीज का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,358 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 167 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,525 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 15 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1,092 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 77,397 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,088 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,094 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6,994 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस वक्त 1,901 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,525 और ग्रामीण क्षेत्र में 5,664 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले के कुल 40 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,363 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय 1,404 बेड पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 959 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर से जिले में कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज हेतु उपलब्ध बेड की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही साथ अब कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में भर्ती रहने वाले मरीजों की संख्या घट रही है। ऐसे में अब पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या बढ़ गई है। इसे एक तरह से जिले के लिए राहत वाली स्थिति माना जा सकता है। जिले में विगत करीब 1.25 वर्ष से कोविड की संक्रामक महामारी का कहर जारी है और पिछले 2 माह में इस महामारी ने बेहद रौद्र रूप धारण किया है, जो जारी मई माह में भी चल रहा है। मई माह के दौरान जिले की 14 तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,256 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 14 तहसील क्षेत्रों के कुल 287 गाँव हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें से वरुड, अचलपुर, मुर्शी व चांदूर बाजार में संक्रमण को लेकर हालात सर्वाधिक चिंताजनक बने हैं। इस समय शहर सहित जिले में चहुं और कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा फैला हुआ है और संचार मंदी काल के दौरान लोगों से बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने तथा बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने का आह्वान बार बार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बाग इन निर्देशों की अवहेलना व अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों पर बिना वजह व बिना मास्क घूमने वाले लोगों को पकड़कर उनसे दंड वसूला जा रहा है। साथ ही उनकी ऑन द स्पॉट कोविड टेस्ट भी की जा रही है। इसके तहत शनिवार को मनपा के स्वास्थ्य पथक द्वारा पंचवटी चौक पर कई लोगों की कोविड टेस्ट की गई। इन दिनों सभी होटल, रेस्टोरेंट व भोजनालय से लोगों को उनके ऑर्डर की होम डिलीवरी दी जा रही है, जिसके तहत जोमेटो व स्विगी जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के डिलीवरी बॉय विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर उनके ऑर्डर की होम डिलीवरी दे रहे हैं। यूं तो इन सभी होम डिलीवरी बॉय के लिए पहले से ही अपनी RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना और टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव रहना अनिवार्य किया गया है, किंतु इसके बावजूद कई डिलीवरी बॉय द्वारा अब तक अपनी कोविड टेस्ट नहीं करवाई गई है। ऐसे में मनपा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मौजूद स्वास्थ्य पथकों द्वारा इन होम डिलीवरी बॉयज को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी कोविड टेस्ट भी करवाई जा रही है। कोविड संक्रमण काल के दौरान समूचे राज्य में रक्त की किल्लत देखी जा रही है। ऐसे में संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शुभम शेरेकर के जन्मदिन के अवसर पर संभाजी ब्रिगेड द्वारा अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत कापूसतलनी गांव में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 48 रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से अपना रक्तदान किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अचलपुर तहसील शाखा द्वारा अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार को निवेदन सौंपते हुए पेट्रोल, डीजल व खादों के दाम कम करने की मांग की गई। साथ ही इस दर वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध भी किया गया। करीब 3 वर्ष पहले 31 मई 2018 को तिवसा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मोरे सर्वो पेट्रोल पंप पर लगभग 8 से 9 की संख्या में आए लुटेरों ने पिस्तौल का धाक दिखा कर नगद 39,000 रुपए, ATM, स्वाइप मशीन, CCTV कैमरे के मॉनिटर तथा DVR समेत 53,500 रुपए का माल चुरा लिया था। इस सनसनीखेज डाके की घटना में वर्धा जिले की देवरी तहसील में रहने वाला हरीश भवन राव कन्ना के नामक युवक भी शामिल था। उसके सभी साथी लुटेरे पकड़े गए थे, लेकिन गिरफ्तारी के डर से हरीश कन्ना के कर्नाटक भाग गया था, जहां पर उसने रोजी रोटी के लिए ट्रक
ड्राइवर की नौकरी करनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि हरीश कर्नाके के घर पर उसकी बहन का विवाह समारोह आयोजित है और वह इस विवाह समारोह में शामिल होने हेतु अपने गाँव यानी वर्धा जिले के नांदोरा डफरे में आया है, जहाँ पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब तक कई मामलों में आरोपियों से रिश्वत लेते हुए पुलिस को एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों पकड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अकोला के दहीहांडा पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रकाश अहिरे को जुआ अड्डा चलाने के लिए प्रति माह 50,000 रुपए की रिश्वत देने का प्रयास करने वाले 3 जुआ माफियाओं को अकोला एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अकोला जिले में यह दूसरा रिवर्स ट्रैप है और राज्य में इस तरह की कार्रवाई केवल अकोला शहर में ही घटित होने की बात सामने आई है। एसीबी द्वारा पकड़े गए आरोपियों में शिवा गोपाल राव मगर, अभिजीत रविकांत पागरुत व घनश्याम गजानन कड़ू का समावेश है। धामनगांव रेलवे में अंजन सिंगी रोड पर पुष्करणा नगर में रहने वाले चंद्रशेखर शिवनकर नामक व्यक्ति के घर में पिछले कुछ दिनों से चकला घर चल रहा था। इससे पहले यहां पर पुलिस ने 2 बार छापामार कार्रवाई करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस विफल साबित हुई थी। वहीं शनिवार की सुबह थानेदार ब्रह्मानंद शेलके के साथ ही एपीआई प्रियंका चौधरी ने इस चकला घर पर छापा मारा और यहां से 2 लड़कियों समेत 1 लड़के को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। पुलिस के आने की आहट मिलते ही शेष युवक युवतियां वहां से भागने में सफल हो गए। क्षमता से ज्यादा रेत की यातायात करने वाले ट्रकों पर जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा द्वारा कार्रवाई की गई। ग्रामीण एलसीबी का एक दल किसी कार्रवाई हेतु जा रहा था, तब जिद्दपुर व निम्बी की ओर उन्हें कुछ ट्रक क्षमता से अधिक रेत लेकर जाते हुए दिखाई दिए। तब पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए 1 ट्रक को गिरफ्तार किया। वहीं निम्बी की ओर जा रहे 1 दूसरे ट्रक को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। बीते गुरुवार की देर रात शराब के नशे में धुत रहते हुए एमआईडीसी में कार्यरत रहने वाले मजदूर पर चाकू से जानलेवा हमला कर आरोपी के फरार होने का मामला उजागर हुआ था। पुलिस ने केवल 3 घंटे में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के नाम धनराज बाहुर्षी व मोहित मोहन कैथवास बताए गए हैं, जो मायानगर के निवासी हैं। बीते गुरुवार की शाम महादेव खोरी परिसर के जंगल में एक ही पेड़ से फांसी लगाकर नाबालिग प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया था। घटना स्थल पर किसी भी तरह का सुसाइड नोट अथवा अन्य कोई सबूत नहीं मिलने से प्रेमी युगल द्वारा की गई आत्महत्या का रहस्य अब भी बना हुआ है। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत जयस्तंभ चौक के पास स्थित एकता आभूषण नामक सराफा दुकान पर मनपा के दल ने छापा मारा। इस समय एकता आभूषण नामक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों सहित कुल 33 लोग पाए गए, जिसके बाद मनपा के दल ने इस प्रतिष्ठान को सील कर दिया। इसके साथ ही गाड़गनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले की शिकायत व सूचना पर माउली बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर इस आस्थापना को सील किया गया और वहां पर उपस्थित व्यक्तियों के खिलाफ गाड़गनगर पुलिस थाने में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।